पिछली वीडियो में हमने फिजिकली हैंडीकैप पढ़ा था, आज की वीडियो में मेंटल हैंडीकैप पढ़ेंगे या फिर इसको मेंटली चैलेंज चरण भी कह सकते हैं। और ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का टॉपिक है। अ मेंटल हैंडीकैप इज एन इम्पेयरमेंट इन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन कॉग्निटिवली, इमोशनली और फिजिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ साइकेट्रिक कंडीशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन क्या होते हैं। सो मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जिसके मेंटल लेवल या कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक एबिलिटी टू लर्न, परसेप्शन, मेमोराइजिंग एंड थिंकिंग, इन सब में क्या आ जाना, इम्पेयरमेंट हो जाना, यानी कि इम्बैलेंस हो जाना। और इम्बैलेंसमेंट हो जाएगा तो वो नॉर्मल जैसे बिहेव नहीं कर पाएंगे, वो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी तरह जो लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको मेंटल चैलेंज चिल्ड्रन कहेंगे। मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, उनमें इंक्लूड है मेंटल रिटार्डेशन एंड सेरिब्रल पाल्सी। इनको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन इज अ डिफाइंड एज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शन रिजल्टिंग इन एसोसिएटेड विद कॉन्करेंट इम्पेयरमेंट इन अडेप्टिव बिहेवियर विच मैनिफेस्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड। तो जो मेंटल रिटार्डेशन है इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है, मेंटल रिटार्डेशन को सिंपली डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस में इम्पेयरमेंट हो जाना, इंटेलिजेंस में इम्पेयरमेंट हो जाना यानी कि डिसएबिलिटीज आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल आसानी से लर्निंग कर लेता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, मेमोराइजिंग लर्निंग आसानी से कर लेता है और अपने हर एक काम को एक्सीलेंट तरीके से करता है, तो उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल से अबव, यानी तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या कहेंगे उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसी तरह दूसरा इंडिविजुअल वो किसी से किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पा रहा है और ना ही चीज़ों को सीख पा रहा है और ईजी से ईजी वर्क को नहीं कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं कैसा है, मेंटली रिटार्ड है, तो उसको मेंटली रिटार्डेशन कहेंगे। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस इंडिविजुअल को मेंटल रिटार्डेशन लेवल में रखा गया है। सो फर्स्ट लेवल लाइक माइल्ड, माइल्ड मीन्स होता है नॉर्मल से कम, जो नॉर्मल पर्सन की इंटेलिजेंस होती है उससे कम। नेक्स्ट हमारा मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स होता है मीडियम, तो इसमें क्या होगा कि जो उसकी इंटेलिजेंस होगी बहुत ही कम होगी, तो हम उसको अलग ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ इसमें जो नॉर्मल पर्सन की इंटेलिजेंस है उस तरह से ये अलग बिहेव कर रहा है, उसी तरह से वो बिहेव करेगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेंटली रिटार्ड है। उसके बाद है सीवियर, जो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा होगा उसका जो टोटली वो डिपेंड होगा अदर्स पे, वो अपनी सेल्फ केयर भी नहीं कर पाएगा, जो लाइफ एक्टिविटी होती है उनको भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड में भी वो बहुत ही ज़्यादा जो अपना ईजी से ईजी वर्क होता है लाइफ रूटीन्स में उसको भी नहीं कर पाएगा, टोटली मंदबुद्धि बोल सकते हैं इसको, उसको खुद के बारे में भी अवेयरनेस नहीं रहेगी, जो उसका जो केयर है वो अदर पर्सन करेंगे। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन चिल्ड्रन, जो मेंटली रिटार्डेशन होते हैं उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है उसकी लाइफ पे, चिल्ड्रन की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है फेलियर टू अचीव डेवलपमेंटल एंड माइलस्टोन। तो फर्स्ट में बताया गया है कि फेलियर देखने को मिलेंगे, उसकी जो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है उसमें उसको फेलियर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंसी इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग सच एज इनएबिलिटी टू लर्न और टू मीट एकेडमिक डिमांड्स। सेकंड में कॉग्निटिव प्रोसेस में इम्पेयरमेंट होने की वजह से लर्न करने की जो एबिलिटी है उसमें क्या आ रही है, डेफिशिएंसी, तो उससे क्या प्रॉब्लम उसको देखने पड़ेंगी लर्न करने में। उसके बाद है और तीसरे पॉइंट में एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रॉब्लम, और अपनी बात को समझाने में और दूसरों की बात को समझने भी प्रॉब्लम आएंगी उसको, यानी कि डिफ़िकल्टी देखने को मिलेंगी। और उसका जो चिल्ड्रन पे ओवरऑल उसकी लाइफ एक्टिविटी जितनी भी हैं उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, लाइक उसको जब फेलियर मिलेंगे लाइफ के अंदर
तो उसको जो उसका बच्चे का क्या हो, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, निराश हो जाएगा, सैड हो जाएगा, और ये सब कारण उसको किस तरफ ले जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ। तो इसीलिए बच्चे को उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फैमिली हो। अब देखते हैं ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बिहेवियर मैनेजमेंट, उसके बिहेवियर को मैनेज करेंगे, लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और उसके साथ रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट सुपरविजन। इस पॉइंट में उसको सपोर्टिव केयर गिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसको फ्रस्ट्रेट फील ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल नीड एंड प्रॉब्लम्स, और मॉनिटर करेंगे चाइल्ड की नीड और प्रॉब्लम्स को जो उससे डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्राम्स दैट मैक्सिम स्पीच लैंग्वेज कॉग्निटिव साइकोमोटर सोशल सेल्फ केयर एंड एक्यूपेशनल स्किल्स। प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कराएंगे ऐसे बच्चों को, और ये प्रोग्राम ऐसे बच्चों के लिए ही होते हैं बिकॉज दे नीड स्पेशल केयर। सो यहाँ इनको लर्निंग स्किल सिखाएंगे, जिससे वो सीख सकेंगे, लाइक सेल्फ केयर कर पाएंगे एंड एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारी फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी मीन्स होता है ऐसे बच्चों को फैमिली वालों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। सो उनको फैमिली सपोर्ट दें, उनके साथ रहें। मेंटल रिटार्डेशन के बाद हम सेरिब्रल पाल्सी देखेंगे। इट इज़ अ डिसएबिलिटी दैट अफेक्ट एबिलिटी टू कंट्रोल मसल कॉज्ड बाई डैमेज टू द ब्रेन वाइल द ब्रेन इज डेवलपिंग। तो सेरिब्रल पाल्सी मीन्स होता है सिंपली ब्रेन के सेरिब्रल पार्ट में इंजरी हो जाना, किसी भी वजह से इंजरी होने के वजह से ब्रेन की जो मसल्स की कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी में क्या हो जाना, डिसेबिलिटी आ जाना, उसको हम सेरिब्रल पाल्सी कहेंगे। अब देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी से बच्चे में क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। पॉइंट वाइज अबनॉर्मल मसल टोन हो जाता है, अबनॉर्मल मूवमेंट्स, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, सीजर्स, स्पीच प्रॉब्लम, स्वेलिंग प्रॉब्लम एंड हेयरिंग लॉस, विजन प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स, बॉवल एंड और ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स।